चंदनपुरा की श्यामा गौशाला में गायों की स्थिति को देखकर आप रह जाएंगे हैरान। पानी की व्यवस्था नहीं, सूखा भूसा खिला रहे, अध्यक्ष दिए गोलमोल जवाब। जिले के ग्राम चंदनपुरा में गौशाला की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बता दें कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, साथ ही खाने के केवल सूखा भूसा समिति द्वारा खिलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 2024 से चंदनपुरा की गौशाला संचालित है। जब आज मौके पर जाकर देखा तो होदियों में पानी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, साथ ही खाने के लिए केवल सूखा भूसा गौशाला में रखा हुआ था। उसके अतिरिक्त गेट भी टूटा हुआ पड़ा था और बाहर गाय चरने के लिए जा रही थी। चरने के बाद जब गाय पानी पीने के लिए होदी के पास पहुंची तो होदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था। उसके बाद गाय वापस निराश होकर बाहर की ओर लौट आई। इस मामले में गौशाला के अध्यक्ष दीपक जाटव ने बताया कि 1 सितंबर से उन्हें गौशाला चलाने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बताया कि भूसे में दाना मिला रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि दाना सुबह मिलाया था उसके कट्टे कहाँ हैं, तो वह बोलते नजर आए कि अभी तो फिलहाल सूखा भूसा ही खिला रहे हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि पौष्टिक आहार के रूप में आटा दलिया क्या मिलाते हैं, फिर उन्होंने कहा कि दलिया मिलाया जाता है, लेकिन से पूछा कि सुबह दलिया मिलाया था तो उसके कट्टे कहाँ पर है, फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि अभी तक फिलहाल सूखा भूसा ही खिला रहे हैं। इस तरह से वह हर बात पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही पीने के पानी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी टैंकर आने वाला है, टैंकर वाले से बात हुई है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि होदी में कम पानी रहता है तभी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि पास ही में बने तालाब से गायों को पानी पिलाते हैं और सुबह गाय चरने जाती है। इस तरह से अगर गाय बाहर चर रही है, हरा चारा बाहर खा रही है और बाहर ही पानी पी रही है तो गौशाला का मतलब ही क्या हुआ। गौशाला में ना तो पानी की व्यवस्था मिली, ना ही हरे चारे की व्यवस्था मिली और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से मेन गेट मिला। मेन गेट भी टूटा हुआ पड़ा हुआ। इस तरह से चंदनपुर में गौशाला संचालित की जा रही है। क्या नाम भाई साहब आपका? दीपक जाटा। दीपक जी, गौशाला में किस पद पे हैं आप? संचालक अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष हो आप, तो गायों की क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके घास, वो भूसा भूसा पानी, सब व्यवस्था है ना? सब व्यवस्था है जी। तो कब से गौशाला स्थापित की गई थी और कब से संचालित की जा रही है यहाँ पे? 1 तारीख से संचालित की गई है। 1 तारीख से जी। तो अभी पूरी पर्याप्त व्यवस्था है? बिल्कुल। कई गायें देख रही जा रही हैं, लोग बिना पानी के अभाव में लौटी जा रही हैं। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर टैंकर आ रहे हैं, है ना? तो आपने पहले से कोई व्यवस्था नहीं की, मतलब सुबह से अभी तक दिन के 1 बजने को हुए? सुबह हम जहाँ पर पानी पिला रहे आते हैं, जहाँ पर देखो पास में गड्ढा तालाब है, तो तालाब में पानी पिलाते हो आप? औदी में बिल्कुल नहीं भर पाते? अभी टैंकर आ रहा है बिल्कुल। अब आ रहा है हमारे जब पहुँचने के बाद? सुबह से उसमें बिल्कुल औदी में पानी नहीं है भाई साहब, एकदम तो सूखता नहीं। देखो औदी में पानी, टाइम रुकेंगे 5 मिनट, औदी में पानी एकदम नहीं सूखता, मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, एकदम पानी नहीं सूखता। आधी से कम औदी हो जाए तो आपको पहले से सूचित करके टैंकर मंगवाना चाहिए था। हम इसमें अब कई गाय हैं जो प्यासी लौट रही हैं। हमने ना जेसीबी से इधर भी तालाब बनवाया है, उधर भी पानी पिलाया जाते हैं हम। आपने देखा वहाँ पे आते समय, उधर भी पानी पिलाया जाते हैं। कितनी गाय रहे हैं इसमें अभी? 100 के आसपास हैं अभी। 100 गाय हैं। तो इसमें हरा चारा क्या है? हरा चारा नहीं है अभी, भूसे भूसा केला है। कब से नहीं है? क्या मिलाते हो उसमें? दाना पानी। क्या दाना मिलाते हो? दाना जो कट्टे आते हैं अपने, उसके कट्टा है यहाँ पे? अभी नहीं है। कहाँ है कट्टे? कहाँ कट्टा मिलाते हो? कट्टे ही कहाँ गए फिर? अरे भूसे ही खिलाते हैं अभी फिलहाल तो। मतलब सूखा भूसा खिलाते हो आप उनको? सानी बना के खिलाते। तो कट्टे कहाँ है फिर? सानी क्या मैं क्या मिलाऊंगी बता? भूसा दिख रहा है हमें, सानी में मिलाने है क्या? यदि है तो दिखाओ हमें भूसे में। बताइए कहाँ है इसमें सानी बनाने के लिए कट्टा वगैरह? क्या है सानी बनाने के लिए? हाँ कट्टा कहाँ है भाई साहब? फिलहाल की स्थिति में अभी क्यों, सभी पानी भी अभी खत्म हुआ है आपका, कट्टे भी अभी खत्म हुए हैं, गायों की तुमने दुर्दशा करके रखी। किसने दी थी आपको ये गौशाला? ये हमारी समिति थी। क्या समिति है तुम्हारी? सामाजिक कल्याण। कहाँ की है जी? किसने दी थी आपको ये जिम्मेदारी की गायों की यहाँ लान रखने की? हमने खुद जिम्मेदारी ली है। खुद ने ली है? मुझे आप अभी बात कर रहे थे कि इसमें कट्टे में सानी मिलाते हैं, तो एक हाथ कट्टा दे तो कहा खाली, यहाँ तो खाली दिखा दीजिए आप, भरा हुआ नहीं चाहिए हमें, खाली दिखा दीजिए। भूस कैसे खाएगी यार मुझे बताओ? बाहर अंदर भी सूखा कुछ नहीं है, गंदगी देखिए आप, खाली पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ, सूखा भी नहीं रखा उनको।
कैसी जिम्मेदारी ली आपने यार? अरे भैया, हमने अभी गायों को बाहर निकाल के सफाई करवानी थाने की, फिर डलवाने, एक सुबह हो गई, एक दोपहर में होगी, एक शाम को होगी। नहीं नहीं आप कह रहे हो सानी भी मिलाते हो, सानी भी अभी कुछ नहीं मिला, जैसे कि आटा वगैरह कुछ तो, दलिया वगैरह कुछ तो मिलाते होगे उसमें? हाँ, वो मोटा दलिया मिलाते हैं। कहाँ है तो कट्टे कहाँ हैं? नहीं है यार, अब तो नहीं, खाली कट्टे कहाँ हैं? आपने मिला सुबह मिलाया होगा ना, सुबह खिलाया था गायों को भूसा, तो उसके सुबह सानी बनाई थी, उसका कट्टा कहाँ है? गाय कहाँ गई उसको? अरे नहीं भैया, अभी सूखा भूसा ही मान लो, तो 20 दिन से आप सूखा भूसा खिला रहे हैं उनको, जब से जो खुली है जब से? नहीं नहीं और क्या? नहीं तो ओके, आपका यही कहना। दाना मिला देते हैं कुछ टाइम तो दाने के कट्टे कहाँ हैं भाई साहब? बाहर चरवा लेते हैं इनको, चराने ले जाते हैं गोचर। बाहर कितना चरेंगे? एक महीने तक कुछ घास थोड़ी लगा, एक महीने तुम्हारे अंदर ही चंद्रपुरा से गांव वाले तो चरने के लिए, तो वैसे तो गौशाला का क्या स्थापना हुई फिर? क्या रोड पे भी देखी जा रही है गाय? नहीं, हमारे आदमी जाते हैं भैया चराने के लिए, लेके जाते हैं शाम को, ले जाते हैं वापस। तो जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, मतलब आपका ये कहना है? ऐसा क्यों नहीं है, आप देखो ना, देखा देख लिया ना, उसके अलावा क्या है बताइए? पानी अभी आ रहा है और जहाँ पे पानी पिला लाते हैं ना गाय, देखो सुबह चारा खाने के लिए चराने के लिए जाते हैं, आपके शाम को ले जाते हैं। हरा चारा है, पौष्टिक रहता है गायों के लिए, बिल्कुल है यहाँ पे मौजूद। जी भैया बता रहे ना कि शाम को जाते हैं, सुबह शाम को ले जाते हैं भैया। सुबह सुबह गईया चरने के लिए सुबह जाती है, तुम क्या सवाल कर रहे हो उल्टे सीधे? तुम्हारा नाम क्या है भाई साहब? आपसे पूछ लेते हैं वैली, आपका नाम क्या है भाई साहब? आप बता दो, आपका नाम क्या भाई साहब? जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें जानकारी क्यों दूं ये बताओ? तो फिर आप बीच में ही बोल रहे हो। नहीं, हम जो जो यहाँ पे जिम्मेदारी रखे है उनसे बात करो। नहीं, आपने बीच में बोल रहे हो ना आप। नहीं तो मुझे बताओ जी, कौन है भाई साहब यहाँ पे? जी गायों की स्थिति देखिए गौशाला में, ये कह रहे थे यहाँ के कर्मचारी नहीं है, तो मुझे बताओ। वो हमारे साथ ही है। तो 3 दिन साथ ही आपके? ठीक। अरे तुम आए ऐसे, हम घूमने नहीं आ सकते क्या यार? नहीं, हम तो कवरेज करने के लिए भाई साहब।